बिहार से बाहर अप्रवासी मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन आज पूर्णिया पहुंची, जिसमें महाराष्ट्र एवं गुजरात के भरूच से आए करीब 1200 लोग सवार थे। सभी यात्रियों का स्वास्थ्य जांच एवं स्क्रीनिंग स्टेशन पर ही किया गया। इसके लिए 8 काउंटर लगाए गए थे। खुद जिलाधिकारी राहुल कुमार एवं SP विशाल शर्मा पूर्णिया जंक्शन पहुंचकर सारी स्थिति को संभाले हुए थे। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर 21 दिनों के लिए भेज दिया गया है। कहाँ कहाँ से आ रही है और कितने लोग आ रहे हैं? अभी पूर्णिया में गुजरात के सूरत से और महाराष्ट्र के नंदुरबार से 2 ट्रेनें आ रही हैं। सूरत वाली ट्रेन में बिहार के 36 जिलों के लोग शामिल हैं, जिनको यहाँ पे उतारा जाएगा। उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और जो एसिम्प्टोमेटिक लोग होंगे उनका निबंधन कराने के उपरांत, भोजन पानी देने के उपरांत बसेज से उनके अपने रेस्पेक्टिव जिलों में रवाना किया जाएगा। वैसे ही दूसरी ट्रेन जो नंदुरबार से आ रही है उसमें पूर्णिया जिले के और कटिहार जिले के बच्चे हैं मेनली, और कुछ श्रमिक भी हैं, उनको भी इसी ड्रिल के माध्यम से अपनी अपनी जगहों पर रवाना किया जाएगा। टोटल कितने लोग आ रहे हैं सर दोनों ट्रेनों से? लगभग 1250 लोग सूरत वाली ट्रेन में और 1278 लोग नंदुरबार वाली ट्रेन में। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सर यहाँ पे? जो भी ट्रेन आके रुकेगी उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्याप्त संख्या में काउंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। उनका इंफ्रारेड थर्मामीटर से टेम्परेचर लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी सिम्टम्स के बारे में। उसके बाद उनका निबंधन किया जाएगा। सिम्टोमेटिक कोई केस पाया जाता है तो उनको अलग यहाँ पे रखने की व्यवस्था की गई है। उसके उपरांत उनको फूड पैकेट दिया जाएगा, उनको मास्क अगर उनके पास नहीं है तो मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, साबुन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, और बसेज के माध्यम से फिर उनके गंतव्य तक उनको पहुँचाया जाएगा। वहीं प्रवासी मजदूर के आने पर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी कर रखी थी। प्लेटफॉर्म को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था ताकि यहाँ आने वाले के बाद श्रमिकों को सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज के साथ पारस सोना की रिपोर्ट। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।